संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए सियापत रामचंद्र की जय, पौनसुत हनुमान की जय और भगवान शंकर की जय, सब संतों की जय। मैं आज मृत के दूसरे भाग पर बोलने से पहले सभी जितने श्रोतागण विद्वान वक्तागण और हमारी विदुषी माताएं बहनें और बेटियां तथा श्री आदरणीय पटेल सर जिन्होंने इस भूमंडल को अपने कर्मों के माध्यम से सनातन धर्म को जीवित रखा है, जो रेली बहुत ही पूजनीय है, उन सबको मैं सादर प्रणाम करके मृत्यु के द्वितीय भाग में पहुंचता हूं। आज का प्रसंग में रखूंगा आत्मा, मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कर्म, वैराग्य और कुछ और विषयों को लूंगा यदि समय मिला तो। मैं चाहूंगा कि आज मैं मृत्यु का दूसरा भाग के साथ समाप्त कर दूं। धन्यवाद। आत्मा क्या है? गीता में भगवान ने कहा है कि मैं स्वयं मैं सबके शरीर में वास करता हूँ, मैं आत्मा के रूप में स्वयं रहता हूँ। और कहा गया है न जायते मृत्ये वा कदाचित प्राय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शास्त्रस्य पुराणो न हयन्ते हनुमान शरीर। अर्थात ये आत्मा किसी काल में भी न तो मरता है और न ही जन्मता है तथा यह न उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि अजन्मा है। यह आत्मा अजन्मा है, नित्य सनातन और पुरातन है। जिस शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वसान से जड़ान जथा विहाय नवान गृहाति नरोस प्राणी तथा शरीरान विहाय जड़ान यानी संयात नवान देही। अर्थात जिस प्रकार से मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग करके नया वस्त्र धारण करता, ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करती। नैनम छिदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्ले दैन तापो न शोषति मार्त। अर्थात इसको न शस्त्र काट सकता है, न इसको आग जला सकती है, न इसको पानी डुबो सकता है तथा न ही इसे हवा सुखा सकती है। क्यों? यह आत्मा क्या अछेद है, यह आत्मा अधा अकलेद और निसंदेह अशोष्य तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थित रहने वाला और सनातन है। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर का त्याग करके जाती है तो हमारे प्रजा रोते हैं और वह आत्मा नया शरीर धारण करती है। तो शास्त्र कहता है नहीं, जब आत्मा नया शरीर धारण करती है तो उसके परिजनों को शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? उसे नया शरीर धारण करने में बहुत दुख होता है।
और वह अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। ये स्वाभाविक है, हम मानव हैं, दुख तो होता ही है, क्योंकि कहना और करना बहुत कठिन है। इस सत्य को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन ऐसा हमारा शास्त्र कहता है कि हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। आत्मा को प्रकाश पुंज कहा गया है। प्रकाश पुंज इसलिए कहा गया है कि यह आत्मा हमारे हृदय में स्थिर है। 18वें अध्याय में, गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मा यदि नहीं होगा तो कोई इंद्रियां या कोई मन काम नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा के बिना सब निष्क्रिय हो जाएगी। इसलिए आत्मा ही के रूप में भगवान हमारे हृदय में विराजमान है, सूक्ष्म रूप में विराजमान है। यह आत्मा प्रकाश पुंज है। आत्मा का वजन रिसर्च करके बताया गया 21 ग्राम है, 21 ग्राम है। इसके लिए क्या किया गया कि डॉक्टरों की एक लंबी रिसर्च बैठी, जिसमें जो मृतक मृतशैया पर बैठे हुए से जाने वाले थे संसार को छोड़ करके, उसमें 5 पुरुष थे और 1 महिला। उनका जब वजन लिया गया तो मृत से पहले जो वजन था, मृत्यु के बाद 21 ग्राम कम हो गया, इसलिए इसका वजन 21 ग्राम बताया गया है। आत्मा का रंग इसका नीला और आसमानी रंग है। आत्मा के शरीर से निकल जाने के बाद ये हमारे घर में कितने दिन रहती है, यह प्रश्न बड़ा स्वाभाविक सा है, क्योंकि देखा गया है जिन लोगों के पास समय नहीं होता वो लोग इसको 3 दिन या 4 दिन में चौथा करके पूरा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र इसको नहीं मानता। क्यों? आत्मा जब मृत्यु के बाद इसको यमलोक में ले जाते हैं तो 24 घंटे के लिए ले जाते हैं, उसके बाद पुनः आत्मा को ही छोड़ दिया जाता है जहाँ ये शरीर को त्याग किया है, यानी उस घर में वो या उस परिवार में आत्मा घूमती रहती है और देखती रहती है कि मेरे प्रियजन क्या कर रहे हैं, मेरे प्रियजन मुझे भूल तो नहीं गए हैं। इसलिए उसका जो 12-13 दिन के संसार बताया उसका ठीक से करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उस आत्मा के साथ हम न्याय नहीं कर रहे हैं, या अपने पूर्वजों के साथ न्याय नहीं कर रहे जो आत्मा चली गई है। इसलिए मैं इस मंच से सबसे निवेदन करूँगा, जहाँ भी ये होता है आप उसका विरोध कीजिए। उसका 13 या 12 दिन जो निश्चित किया गया वही होना चाहिए। ये आत्मा 24 घंटे के लिए इसलिए ली जाती है उसके पाप कर्मों और पूर्ण कर्मों को उसको दिखाया जाए, उसके बाद आत्मा को वहीं लाकर छोड़ दिया जाता है जहां से वो आत्मा ने शरीर को त्याग किया है। आत्मा जब शरीर को त्याग करके जाती है तो जब मोक्ष मिल जाता है तो भगवान से आत्मा का मिलन हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ, उसके कर्म उतने अच्छे नहीं रहे या उसने इतना अच्छा कर्म किया स्वर्ग में लग गया मोक्ष, क्योंकि सबसे बड़ा मोक्ष बताया गया है, मोक्ष के बाद आवागमन से यह आत्मा हट जाती है, वो हमेशा के हमेशा विष्णु लोक में चली जाती है, और जो आत्मा विष्णु लोक में चली जाती है वो दोबारा नहीं जाती। लेकिन जो आत्मा स्वर्ग में जाती है तो स्वर्ग में जाने के बाद जैसे उसके पूर्ण क्षीण हो जाते हैं आत्मा को पुनः वापस आना पड़ता है इस पृथ्वी लोक में। यह इस प्रकार से जाती है, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसके 3 मार्ग बताए गए, उन 3 मार्ग से आत्मा जो भी इसने कर्म किया इस भूमंडल के उसके हिसाब से जाती है, देवलोक में जाती है और स्वर्ग लोक में जाती है, अमृत लोक में जाती है। ये 3 लोकों में आत्मा, लेकिन बाद में आत्मा का निर्णय जो होता है वो जा करके वहाँ ही निर्णय करके फिर इसको कुछ तो आत्मा वापस आ जाती है, जिनको इस भूमंडल पे पुनः जन्म लेकर के और मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता, लेकिन जो स्वर्ग में चली जाती है आत्मा उसके पुनः आना पड़ता, वो तब आ जाती है जो उसके पूर्ण छूट जाते हैं। आज मैं एक वृत्तांत सुनाता हूं। एक बार एक भिक्षु जिज्ञासु एक महान संत के पास पहुंचा। वो संत बहुत पहुंचे हुए थे, वो सिद्ध संत थे। उनके पास जाकर के
उसने कहा, महाराज मेरे कुछ मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मेरा जीवन सुंदर हो जाए और मैं लोगों के काम आ सकूं, तथा मैं जो जितने सुख सुविधाएं हैं सब कुछ आनंद ले सकूं, क्योंकि मैं सबका सुख उपयोग करके उसके सुख का भोग करके संसार जाना चाहता हूं। और फिर इस महात्मा से पूछा, मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि आप ऐसा एकांकी जीवन बैरागी जीवन क्यों व्यतीत करते हैं? क्या आपको इस बैरागी जीवन से घृणा नहीं होती? आपको संसार में इतना सुख सुविधाएं दिया गया, आप उसका आनंद क्यों उठाते? महात्मा उसके प्रश्न सुनते रहे और महात्मा ने कहा, बस मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, उस 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो गई है, इसलिए तुम अपने मृत्यु के बारे में जो निर्णय लेना चाहते हो, जो सोचना चाहते हो, वो करो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये है। उसके बाद तुम आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। रोने लगा, कर्ण कंदर करने लगा और महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहा था, महात्मन मुझे बचाइए, मुझे मेरा परिवार बहुत प्यार करता है, मैं परिवार को छोड़ के नहीं जाना चाहता, मृत्यु को स्वीकार नहीं करना चाहता, मेरे बहुत से काम शेष हैं, कुछ उपाय कीजिए। महात्मन ने कहा, नहीं, मृत्यु को नहीं टाला जा सकता, जैसे मृत्यु सत्य है, जैसे कर्म हम जो भी करते हैं अच्छा बुरा उसका परिणाम है, भोगना पड़ेगा, और अच्छे और बुरे कर्म को ही प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध के बनाने वाले, भाग्य को बनाने वाले हम स्वयं होते हैं, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं था। हम जो करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसका भोग हमें भोगना पड़ेगा। संसार का कोई ऐसा नियम नहीं है कि जो मेरे भाग्य की रेखा को काटे, हमें अपने कर्मों का भोग करना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं कुछ कर सकते हैं, तुम जाओ। वो चला जाता है, बहुत रोता है, घर के दरवाजा बंद करके सोचता है कि मैंने क्या किया, मैंने इस संसार में कोई पुण्य कर्म किया? आज तो मैं जा रहा हूँ, न मेरे साथ मेरा पुत्र जाएगा, न मेरी पुत्री जाएगी, न मेरी पत्नी जाएगी, मैंने संसार में किया था? मैं तो कुछ किया ही नहीं। जब मुझसे पूछा जाएगा मैं क्या जवाब दूंगा? बड़ा चिंतित हो गया, चिंता करता रहा, लेकिन कहा, आज मैं अपने परिवार के सभी लोगों को बुला करके उनकी परीक्षा लेता हूँ, देखते हैं कौन मुझे बहुत प्यार करता। आज परीक्षा की घड़ी आ गई, अपने परिवार के पत्नी को, पुत्र को, पुत्र वधू को, बेटी को, और अपने बहुत तो सबको बुलाता है, सबसे पूछता है, मेरे जीवन के बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं। एक महात्मा जी ने बताया है, मैं महात्मा के पास गया था कि आपके केवल 7 दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी। मैं महात्मा ने कहा कि अब मैं क्या करूं, मेरे बहुत से काम बाकी, लेकिन महात्मा ने कहा, नहीं कुछ नहीं सकता, बताइए। सब रोने लगे, नहीं पिताजी, आप तो मेरे इस घर के आधार हैं, इस परिवार को छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकते, आपको हम लोगों के साथ अभी जीना पड़ेगा, आपके अलावा हमारे संसार में है कौन? बहुत दुखी होकर कहता, नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। महात्मा ने जो कहा सत्य है। फिर कहता है, बच्चों तुम लोग खाना खा लो। बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया कि आप खाना नहीं कर रहे हैं, और आप तो इस घर की सब कुछ हैं, आपने भोजन नहीं किया, हम भोजन कैसे कर सकते हैं? सब ने इतना प्यार दिखाया, तो वो सोचता कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे कितना लोग प्यार करते हैं। उसने अपने परिवार वालों से कहा कि लेकिन मेरे बचने का एक रास्ता भगवान बताया है महात्मा ने। कहते, क्या रास्ता है? कहते हैं कि मुझे उन्होंने एक बूटिका दिया है, उस बूटिका से मेरा प्राण बच सकता है। सब बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं ये तो अच्छा हुआ, उस बूटिका को जो संत जी ने दिया अपने मुंह में डाल लीजिए और अपने जीवन को बचा लीजिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं मेरे पिताजी। कहता, नहीं इतना सरल नहीं है, अगर मेरा जीवन चाहते हो तो मेरे बदले में किसी को अपना जीवन देना पड़ेगा। अब सब चिंता में पड़ गए, पत्नी, बड़ा पुत्र, छोटा पुत्र, बेटी, सब। लेकिन जब प्राण देने की बात आती है तो सामने कोई नहीं आया, सबने अपने अपने ढंग से बहाना कर लिया। किसी ने कहा कि पिताजी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी बीमार रहती है,
मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा? किसी ने कहा, पिताजी मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकता। पुत्री ने कुछ और कहा। पत्नी जो उनके साथ थी उसने भी कहा, मुझे आप क्यों चाहते हैं अपना जीवन, आपका जीवन हो चुका है, अब भगवान को प्रणाम कीजिए, शांत मन चले जाए। अर्थात कहने का भाव है, उस व्यक्ति ने के लिए कोई जीवन देने तैयार नहीं था। आज उसे पता चल गया था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ पाप से, जो उनको पढ़ रहा हूँ अपने परिवार को, वास्तव में इसका फल हमें भोगना पड़ेगा, इसको भोगने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए संसार में अब उसे ज्ञान हो गया, और जब व्यक्ति ज्ञान हो जाता है तो क्या करता है, वैराग्य की तरफ जाता है। लेकिन वैराग्य जीवन में कब मिलता है? बड़े भाग्य से मिलता है, प्रभु की कृपा से मिलता है। अब वैराग्य जीवन का वो सत्य है कि वैराग्य होने के बाद जीवन सबसे बहुत ऊपर हो जाता है, और वैराग्य ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। वो व्यक्ति एक दिन पहले ही गुरुदेव के चरण में जाकर प्रणाम करता है और कहता है, गुरुदेव अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार का सुख नहीं चाहिए, कोई वैभव नहीं चाहिए, मुझे देख लिया है संसार में कोई अपना नहीं है, न पत्नी है न पुत्र है, कोई नहीं, सब अधर्म करते रहो, पाप से इनको पालते रहो, इनकी इच्छाओं का सम्मान करते रहो, लेकिन जीवन में कोई किसी का नहीं भगवान के अलावा। और उसने कहा कि मैं एक दिन पहले आपके पास आ गया, आपने 7 दिन कहा था, लेकिन मैं आ गया आपके चरणों में यहाँ अपने जीवन के लिए, और मैं अब यही आपके चरणों में मृत्यु को स्वीकार करूंगा। जब 7वां दिन हो जाता है तो मृत्यु नहीं आती। पूछता, गुरुदेव आपने कोई चमत्कार कर दिया क्या? आपने कहा था मृत्यु 10 बजे होगी, तो 12 बज रहे हैं। लेकिन हमने सुना है कि काल तो एक क्षण का समय अधिक नहीं देता, तो मैं अभी तक जीवित क्यों हूं? गुरु ने पूछा, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया कि अभी कोई प्रश्न शेष है? कहता, हाँ गुरुदेव, मुझे अब कोई लालसा जीने की नहीं रही, अब मैं जान जीवन सत्य का और जान गया, सत्य क्या है, मैं मृत्यु से डर गया, मैंने कितने घोर पाप किए, आज मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा है, आज कोई भी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं, मैं समझ गया। गुरुदेव ने कहा, तुम 7 दिन में जीवन के बारे में समझ गए, अब मैं पूरा दिन मृत्यु के बारे में सोचता। सोचो, जो पूरा दिन मृत्यु के बारे में सोचता है वो और कितने वर्षों सोच रहा हूं, और तुम 7 दिन में वैराग्य हो गया और गुरु के चरणों में प्रणाम करके आ जाता है। तो मैं इसके माध्यम से बताना चाहता हूं, संसार में आपका कोई नहीं, भगवान के अलावा कोई नहीं, इसलिए भगवान के श्री चरणों में अपने को तो समर्पित कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। मैं प्रारब्ध क्या है? जब व्यक्ति अपनी प्रतिदिन की गतिविधियों के बारे में सजग नहीं होता तो प्रारब्ध या संचित संचित कर्मों के बारे में क्या बताया? संचित कर्म तो वही होता है जो हम डेली करते हैं, उसको सजगता के साथ करना चाहिए, उसे देखना होगा, क्योंकि हमारे जो हम कहते हैं बोलते हैं वो भी हमारा कर्म है, जो हम कहते हैं जो सुनते हैं वो भी कर्म है, उसको ध्यान देना होगा, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि सत्य है कि हमारे साथ हमारे कर्म ही जाएंगे, हमारे साथ और कोई नहीं जाएगा, कर्म ही जाएगा, और जब तक हम अपने कर्म पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम अपने जीवन को सुखांत नहीं मिल। कर्म का अधिकार गीता में कहा गया है, यज्ञ दान और तप रूप कर्म तथा और संपूर्ण शिष्ट कर्म को आसक्त और फलों को त्याग कर करना चाहिए, यानी जो हम कर्म करते हैं उसमें आसक्ति और फल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्मण्येव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, मेरा कर्म करने में अधिकार है फल में नहीं, क्योंकि फल भगवान ने स्वयं अपने हाथ में रखा है, तो हमें कर्म करना है, यज्ञ दान और तप ये कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्म बताया गया, गीता के 18वें अध्याय के में बताया गया है कि ये सबसे बड़ा है। और कर्म 3 प्रकार का बताया गया, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म। तामस कर्म उसे कहते हैं जो लोग लालच में मोह के बस में आकर के अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ देते हैं, वो तामस कर्म में कहा जाता है। राजस कर्म किसे कहते हैं?
राजस्कर मुझसे कहते हैं जो व्यक्ति की सारा कर्म दुखांत है, सारा कर्म दुख देने वाला है, शरीर को कष्ट देने, इसलिए कर्म नहीं करते, त्याग देते हैं। लेकिन त्यागने के बाद क्या होता है कि उनको उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि फल उसको मिलता है जो कर्म करता है। कर्म को छोड़ने वाले व्यक्ति को फल कभी नहीं मिलता, क्योंकि कर्म करने वाले को फल मिलता है। और ताम सात्विकी कर्म जो सबसे उत्तम कर्म बताया गया, जो विधि विधान से जो नियमित कर्म करता है, आसक्ति और फल को त्याग करके, उसके पीछे कोई आसक्ति नहीं, कोई फल नहीं चाहिए, बल्कि हम कर्तव्य हमारा है, कर्तव्य ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, और कर्म ही भगवान है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जो व्यक्ति अपना कर्तव्य ठीक से करता है, उसे किसी मंदिर में जाने का आवश्यकता नहीं, किसी पूजा का आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूजा करके हम संसार को दिखाएं ये आवश्यक नहीं है, बल्कि हमारा कर्म ही पूजा होना चाहिए। तो व्यक्ति का कर्म ही महान होना चाहिए, इसलिए सात्विक कर्म सबसे ऊंचा कर्म। और सुख भी इसी प्रकार तीन है, तामस है, राजस है और सात्विकी, और सात्विकी सुख सबसे महान सुख बताया गया है। निष्काम कर्म योग क्या है? निष्काम कर्म योग करता हुआ व्यक्ति मोक्ष की तरफ बढ़ता है। मोक्ष जो कि सबसे कठिन है, मोक्ष प्राप्त करना संसार में, और जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया उसने यह जो सौभाग्यशाली जीवन मिला है मनुष्य का, वो जीत गया, वो गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। हमारे हिसाब से मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति को गोल्ड मेडल मिल गया। कैसे? निष्काम कर्म का कोई पाप और पुण्य नहीं होता, इसके ऊपर होता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए, आसक्ति से नहीं बता होता, केवल कर्म ही व्यक्ति का अधिकार है। प्रारब्ध व्यक्ति को स्वयं बनाना पड़ता है। प्रारब्ध कैसे बनता है? जो कर्म करते हैं, वो कर्म क्या है? अच्छा बुरा। अच्छे कर्म का फल हमें अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म का फल हमें बुरा मिलेगा। तो कर्म का फल व्यक्ति को अवश्य भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्म को भोगे व्यक्ति जा नहीं सकता। कर्म अटल सत्य है। इस पर मैं एक वृत्तांत सुनाता हूँ। एक बार एक राजा अपने जन्म कुंडली देख रहा था। जन्म कुंडली देखते देखते उसे आभास हुआ कि मैं राजा हूँ, लेकिन मेरे समेत और बहुत से पैदा हुए होंगे उसी समय, वो लोग राजा क्यों नहीं बने। उसने अपने राज्य के सभी विद्वानों को बुलाया और उनसे प्रश्न किया कि जब मैं पैदा हुआ उसी समय बहुत सारे लोग पैदा हुए, लेकिन उन लोगों को राजा क्यों नहीं बने, राजा क्यों मैं बना। लेकिन उसके राज्य के सभी विद्वान निरुत्तर हो गए, किसी ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। एक ने कहा कि राजन, यहाँ एक बहुत बड़े महात्मा रहते हैं, आप उनसे जाइए, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। गया तो जब पहुंचा तो क्या देखता है, वो साधु आग खा रहा, आग के बड़े बड़े गोले मुंह में डाल रहा था। राजा भयभीत हो गया, अरे ये कौन से साधु है, आग के गोले मुंह में डाल रहा है। लेकिन डरते डरते राजा ने पूछा, महाराज मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर तो ये कहता, आगे चलो आगे चलो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, आगे जाओ, दूसरे महात्मा मिलेंगे। राजन आगे बढ़े, आगे गए तो एक दूसरा था मिट्टी खा रहा साधु, उससे प्रश्न किया। उसने कहा, मैं भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। राजन तुम आगे बढ़ो, देखो उस गांव में जाओ, एक व्यक्ति मणसैया पर पड़ा, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। वहां पहुंच जाता, वहां जाता है। राजन ने पूछा, उसने कहा, राजन मैं बताता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर। हम चार भाई थे, चार भाई में हम लोग घूमते घूमते जा रहे थे, हमारे पास खाने की सामग्री समाप्त हो गई थी, कुछ आटे बचे हुए थे, उससे हमने रोटी बनाई। रोटी बना करके जब हम खाना खाने बैठे तो एक महात्मा जी आए, बस बहुत भूख लगी है, कुछ खाने दे दो। तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि अगर तुम्हें देंगे तो मैं क्या आग खाऊंगा। तो आपने जो देखा हो, मेरा बड़ा भाई था जो आग खा रहा। दूसरे भाई ने नहीं दिया महात्मा को, कहता मैं क्या खाऊंगा तुम्हें दूंगा, मैं रोटी क्या मिट्टी खाऊंगा, तुम्हें रोटी देकर मैं क्या खाऊंगा, वो तो मिट्टी खा रहा था। और तीसरे भाई ने जवाब दिया, राजन तीसरा भाई मैं हूँ जो आपके सामने मृत्युशैया को भोग रहा हूँ, मैंने मना कर दिया, लेकिन चौथे भाई आप थे जो अपनी थाली उसको खिला दिया और आपने कहा नहीं आप भूखे हैं आप खाइए, और आप भूखे रह गए, आप राजा हैं। तो कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। बड़े अस्पष्ट शब्दों में कहूंगा, मित्र जनों आप विद्वान लोग हो,
अपने कर्म का ध्यान आपको रखना है, ना आपका पुत्र, न पत्नी, न भाई, न बहन को ही देगा, आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने जब इसके पहले जिया था तो मैंने कहा हम जो कहते हैं उसको अपने कर्म में लाना होगा, उसको अनुसरण करना होगा, ये जरूरी है। हमें कहीं बैठ करके लेक्चर देखे सबको इम्प्रेस करना आसान है, लेकिन कर्म क्या करता है देखिए। तो कर्म में सबको अपनाना है, फिर कर्म ही हमारे साथ जाएगा। मैं पटेल सर के माध्यम से बताना चाहता हूँ सर, हम सबका कर्म उत्तम उत्तम होना चाहिए। भगवान ने हमें जिस अवस्था में रखा, गरीब है, अमीर है, जहाँ भी है, भगवान को शुक्रिया अदा करें। मोक्ष की तभी बढ़ सकते हैं जब हम देखेंगे कि मोक्ष की तरफ जब जा रहे हैं तो वहाँ हमें हमारा कर्म पूर्ण होता है, हमारा कर्म अधूरा रहता है, लेकिन भगवान को हमेशा याद रखना है। ये बोलते रहना प्रभु आपकी कृपा है, आपकी दया है, हे भगवान हमने जो काम कर लिया है आपने किया है, मैं बड़ा आभारी हूँ, मेरा परिवार बड़ा आभारी है। इसके साथ ही हमें भगवान की शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, तभी हम मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं और मोक्ष प्राप्त करने में आसानी रहेगी। अब मोक्ष कैसे मिलता है, एक प्रश्न है, मोक्ष प्राप्त करने क्या तरीका है, जो हमारे गीता में बताया गया है वही मैं बता रहा हूँ। गीता के 8वें अध्याय में कहा गया है कि जब व्यक्ति मृत्यु के समय आता है, मृत्यु के नजदीक या समस्ता मृत्यु नजदीक हो गई है, तो उसे अपने सभी इंद्रियों के द्वार को बंद करके, इंद्रियों के द्वार को बंद करके और मन को अपने हृदय में स्थापित करके और जीते हुए मन के माध्यम से अपने आत्मा को मस्तिष्क में स्थापित करके भगवान के चरणों की याद में उनको स्मरण करते हुए ओम का जाप करना चाहिए। ओम में वो ताकत है कि व्यक्ति कितना पापी हो वो भवसागर को पार कर जाएगा निश्चित रूप से, यह गीता के 8वें अध्याय में बताया गया है। इसलिए ओम, ओम में बहुत ताकत है। ओम का अर्थ होता है आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की याद कर रहे हैं, ओम में तीनों समाहित हैं और ओम आपको इस भवसागर से पार करा देगा। मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और वह व्यक्ति आवागमन के बंधन से सदैव के लिए छूट जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वह व्यक्ति प्रभु की अनुकंपा से फिर जन्म मृत्यु के भय से हमेशा के लिए मुक्त पा लेता है। इसीलिए सभी मानव को इस भूमंडल पर सत्य कर्म करते रहना चाहिए और प्रभु का समर्पण अवश्य करना चाहिए। व्यक्ति को मृत्यु अवश्य याद रखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु को याद रखता और भगवान से डरता वो कभी भी गलत काम नहीं करता। इसलिए मृत्यु को याद रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु ही हमारे जीवन का संपूर्ण है, जो हमें डरा के और हमें बुरे कर्मों से बचाता है। क्योंकि जो भी बुरा कर्म करता है संसार में, उसे अपने कर्मों का जवाब देना होगा, उसे अपने कर्मों का उत्तर देना होगा और यही उसके कर्मों का प्रारब्ध भी होगा, क्योंकि परिणाम भोगने के लिए व्यक्ति को हमेशा तैयार रहना चाहिए, उसे कठोर दंड का सामना करना पड़े। कर्म की गत बहुत प्यारी है, उसे बचना असंभव है, उसे अपने अच्छे बुरे कर्म का परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। परिणाम भोगने से कोई नहीं बच सकता। मनुष्य का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। इस जीवन का परम उद्देश्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना, क्योंकि मोक्ष ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भगवान ने कहा है हमारी बनाई हुई चीज से जो प्रेम करता है अब मुझे भूल जाता है, हम उसे कैसे माफ कर दें। तो हमें भगवान से प्रेम करना है, उनकी बनाई हुई चीज पर नहीं जाना है। उन्होंने हमें बनाया है, इस रंगमंच में भेजा है देखने के लिए, लेकिन जो भगवान की बनाई हुई चीज से प्रेम करो, लेकिन इतना मत प्रेम करो कि प्रभु राम को भूल जाओ। और मोक्ष को प्राप्त करने का उद्देश्य सबसे बड़ा हम लोगों का होना चाहिए, हम लोग जीवन में जो भी संसार में आए हैं, इस रूप में आए हैं, ताकि भगवान हमें न भूलें। तो भगवान भूलना चाहे तो भूलने दें, हमारे शब्द ही हमारे कर्म, शब्दों को सोच कर बोलना चाहिए, शब्दों का परिणाम पूरे परिवेश से भुगतना पड़ता है और हमारे शब्द ब्रह्मा तक जाते हैं। अब मैं कुछ और प्रश्नों का उत्तर लेता हूं।
अर्जुन ने भी प्रश्न किया था कृष्ण से, जिसका जवाब दिया है भगवान कृष्ण। समय 7 मिनट और है, मैं चाहूँगा 7 मिनट से पहले जो मुख्य मुख्य बातें मुझे कहना है ताकि मैं कह दूँ। हे भगवान, वो कौन सा पाप जिसके करने से स्त्री मर जाती है, जिसके कारण पुत्र मर जाते हैं और व्यक्ति नपुंसक होता है, वो किस पाप के कारण होता है? भगवान ने जवाब दिया है, हे अर्जुन, जो किसी से कर्जा उठाता है और देता नहीं, क्योंकि ऐसा देखा गया कर्जा लेते समय लोग रोना शुरू कर देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मतलब जब देने की बात आती है 50 12 ढूंढ लेते हैं। कर्जा लेते समय तो ढंग से दिखाएंगे कि देने वाला द्रवित हो जाए और कहीं से कर्जा ला कर दे दे, लेकिन जब देने का बात आती नहीं देना। उसके लिए कहा गया इस पाप से स्त्री मर जाती है और जो किसी अमात रखी हुई पचा लेता है उसके पुत्र मर जाते हैं। यानी जिसने किसी दिया के सामान में ले जाऊंगा लेकिन नहीं लौटा रहे, उसकी अमात को लेगे पचा लेगे तो उनका पुत्र मर जाता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। जो किसी कार्य सबसे पहले करने को वचन देता है पर समय आने पड़े पुस्तक कार्य न कर इस पाप से नपुंसकता होती है। यानी कहता था कि आपका काम करूंगा, लेकिन समय आने पर जब व्यक्ति से अप्रोच करता है उसको मिलता है तो काम करने से मना कर देता है। कौन से पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? स्त्री का जन्म, डड्डू का जन्म क्यों पाता है? बिल्ली के जन्म किस पाप से पाता है? अर्जुन, जो मनुष्य कन्या का दान लेते साधु ब्राह्मणों सदा रोगी रहते हैं। सर कुछ खुला हुआ लगता है, आवाज आ रही है? हेलो, अर्जुन, जो मनुष्य कन्या का दान लेते हैं और साधु ब्राह्मणों के दोषी हैं सदा रोगी रहते हैं, और जो विषय विकार के लिए मदिरा पान करते हैं लड्डू का जन्म पाते हैं, जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे भगवान पर दान करते हैं वो बिल्ली का जन्म पाते हैं, जो मनुष्य अपने झूठी बस दान करते हैं वो स्त्री का जन्म पाते हैं, झूठ गवाही करते हैं वो दुष्टा स्त्री का जन्म पाते हैं। हे कृष्ण, भगवान जी, आपने किस कारण से मनुष्य को स्वर्ण दिया तथा कुछ मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े दिए, उन्होंने कौन सा पुण्य किए थे? स्त्री। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन, जो लोग कन्यादान परेश्वर के निमित्त करते हैं मनुष्य का जन्म पाते हैं, और जो मनुष्य स्वर्ण दान करते हैं उनको हाथी घोड़े और वाहन मिलते हैं। भगवान जी, जिनकी सुंदर विचित्र देह है पर वे घर में संपत्ति विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जिसने अन्नदान किया स्वरूप सुंदर है, जिसने विद्या दान की वो विद्वान होते हैं, जिसने गुरुदेव की सेवा की वही पुण्यवान होते हैं। प्रश्न आया, हे भगवान, राजपाट और विद्या किस धर्म से मिलती है? हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी में निष्काम भक्ति करते हुए देह त्यागते हैं तो राजा होते हैं, जो गुरु की सेवा करते हैं विद्वान होते हैं। प्रश्न, हे भगवान, जिनको धन संचित मिलता है एक सारी उम्र रोग से रहित होते हैं वे कौन से पुण्य करते हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जिसने गुप्त दान किया है उसको संचित धन मिलता है, जिसने परमेश्वर अर्थ पराया काम संवारा हो वह रोग से रहित होते हैं। पुनः प्रश्न करते हैं, हे भगवान, कौन पाप से अमली होते हैं? मुगे और कुछ लोग किस पाप कारण से होते हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो कुल स्त्री का गमन करते हैं वे अमली होते हैं, और जो लोग गुरु से विद्या प्राप्त मुकर जाते हैं वे गुगे होते हैं, तथा गौ माता को मारते हैं वह कुछ लोग से पीड़ित होते हैं। फिर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे भगवान, जो किसी की देह में रक्त विकार होता एक दृष्टि होते हैं, कोई नर दंड खाऊ बाह होते हैं, एक अंधे होते हैं, कोई पिंगले होते हैं, एक बाल विधवा होती है, कौन से पाप से होते हैं? अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनके रक्त का विकार होता है, कुटित रहते हैं, सुदृद्धि होते हैं, कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं इनको खंड बाहु होता है, जो प्राणी नंगी स्त्री देखता है और गुरु की स्त्री पर उदिष्टता है सो अंधा होता है, जिसने गौ ब्राह्मण को लात मारी है सो लगड़ा पिंगला होता है। यानी ब्राह्मण को और गौ को लात नहीं मारना चाहिए, आप कृपया ध्यान रखें। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष का संग करती है सो बाल विधवा होती है।
समर्पण क्या है, कंप्लीट सरेंडर। मैं थोड़ा समय और लूंगा, एक मिनट का समय हो रहा है। संपूर्ण समर्पण एक ज्ञानी व्यक्ति की पहचान है। व्यक्ति को स्वयं प्रभु को समर्पण कर देना चाहिए। वह व्यक्ति सुख दुख मोह माया भय लोभ काम क्रोध शोक जय पराजय आदि सभी चीजों से ऊपर उठ जाता है। उसे मृत्यु कभी भी भयभीत नहीं कर सकती। आज सभी चीजों से ऊपर उठ जाएगा क्योंकि मृत्यु उसके पास उसे भयभीत करने नहीं जा सकती। वह व्यक्ति सत्य तथा प्रभु श्री राम के प्रभाव को ज्ञान कर लेगा। जब भगवान श्री राम के अस्तित्व को समझ लेगा उसे ज्ञान हो जाए तो मृत्यु लोक में किस लिए आया है। अपने कर्मों को पूरा करने बाद उसको मृत्यु लोक से वापस जाना होगा। संसार की कोई सी ताकत नहीं कि कर्मों को पूरा हो जाने के बाद उसे इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए रोका सके। जब व्यक्ति को सत्य का ज्ञान नहीं होता तब वो झूठ के बंधन बंधे रहते हैं और दुख प्रतिदिन बढ़ता रहता है। ज्ञानी और ज्ञानी व्यक्ति में यही अंतर है। मन का संतोष ही हमारे दुखों का निवारण है। जब मन में संतोष होगा तो मृत्यु का भय नहीं होगा। मृत्यु का भय हमें अच्छे कर्मों को ले जाता है। अच्छे कर्म ही व्यक्ति को सुख शांति और संतोष प्रदान करते हैं। फिर मृत्यु के भय से व्यक्ति कभी आशंकित नहीं होगा। मन कर्म और वचन से किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है कि व्यक्ति के मन में कर्म और वचन में किसी को दुख पहुंचाया हो तो व्यक्ति को उसका दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। मैं इन्हीं के साथ अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूंगा। इसके पूर्व मैं जितने श्रोता वक्ता हैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर वो हमारा जो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं जो धर्म से संबंधित आध्यात्म से जुड़े हुए हैं यदि उनको देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो पर जाकर जैसे लिखेंगे CM RAI वो वीडियो को देख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को धन्यवाद देता हूँ। मुलसिया पतराम।